हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। लाइक आई हैव टू प्लान, आई एम लाइक प्लानिंग टू डू टू डिफरेंट वीडियोज। लाइक अभी नायका की सेल आने वाली है, सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो, लाइक सेपरेटेड टू वीडियोज करती हूँ, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सम मेकअप, सम माई फेवरेट, यू नो, सम ऑफ माई फेवरेट ब्यूटी एंड बॉडी एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सो लेट्स होप कि आज मैं जल्दी जल्दी से वो वाली वीडियोज भी बना लूँ। सो आज मैंने पूरी ऑयलिंग की हुई है बालों में, एज यू कैन सी, बट मैंने इसका एक फ़ायदा उठा लिया। आई थॉट क्यों ना एक स्लीक सा बन बनाया जाए, कि मेरे ना बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो वाई, डैंड्रफ, सर्दी भी पूरी तरह से नहीं, बस डैंड्रफ बहुत ज़्यादा मेरे बालों में हो रही है। एंड तो मैंने ना टी ट्री वाला जो एसेंशियल ऑयल होता है उसको मिक्स करके कोकोनट ऑयल में एंड एक और ऑयल मोरक्कन ऑयल उसमें ऐड करके बालों में अच्छे से चंपी करवाई थी लास्ट नाइट। सो आई थॉट आज वॉश नहीं करेगा ट्यूजडे, वैसे भी ट्यूजडेज को मैं ज़्यादा वॉश करना पसंद नहीं करती हूँ, लाइक मेरी मदर इन लॉ इन डजंट अलाउ, मतलब ट्यूजडेज एंड सैटरडेज को वी डोंट वॉश आवर हेयर्स। सबसे पहले मैंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ इसी को अप्लाई करूंगी। दिस इज लिप इंजेक्शन फ्रॉम टू फेस्ड, इट्स अ लिप इंजेक्शन, लाइक सेड, लाइक इंजेक्शन मतलब एक तो लिप्स को ये बहुत अच्छे से प्लम करेगा एंड ऑल्सो इट विल हाइड्रेट माई लिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा अभी आई नीड दैट। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत 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 सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे। ओ बाय द वे, टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई दिस टिटेड का फाउंडेशन। ओ भाई, ये इसकी जो लाइक हाइप थी इंस्टाग्राम के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर, लाइक इंटरनेट को हिला दिया था इस फाउंडेशन ने। एवरीवन वाज लाइक टिक 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 एंड आई वाज लाइक ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर सम टाइम, कि मैं किसी ऑफिशियल वेबसाइट से या कहीं से मैं इसको परचेज नहीं करना चाहती थी। आई रियली वॉन्टेड टू बाय दिस फ्रॉम नायका एंड या फिर टीरा से, बिकॉज जहां पे अगर पसंद नहीं आता या कोई प्रोडक्ट में डैमेज आता कुछ भी हो तो हम उसको रिफंड कर सके, लाइक रिटर्न कर सके। सो दिस इज मास्क फिट रेड कुशन मास्क फिल इनरेस्ट कवरेज थी 35N वॉलनट मैंने शेड लिया इसमें। आई होप ये शेड मेरी स्किन के साथ मैच कर जाए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना मुझे ये लगा था। लाइक यस, ये आता है अंडर 2000 में, लाइक 1800 समथिंग में मैंने इसको परचेज किया है। बाय द वे मैंने इसको टीरा से परचेज किया है, बट यू कैन गेट दिस फ्रॉम नायका एज वेल। नायका के ऊपर भी अवेलेबल है ये और मिनी साइज में भी अवेलेबल है, विच इज सो गुड। लाइक 1200 समथिंग का है। सो या, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स सो प्रिटी, सी इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। बट सबसे पहले आई एम गोना अप्लाई सम मॉइस्चराइजर एंड समथिंग ऑन माई फेस, बिकॉज यू कैन सी आई जस्ट टुक शावर एज यूजुअल एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा भी ड्राई हो चुकी है। बॉडी के ऊपर तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया, बट फॉर माई फेस आई एम यूजिंग दिस डी यू इन माई डिफेंस बैरियर बिल्डिंग स्किन फूड, सूदिंग, कामिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड नरिशिंग। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सी, एक्सट्रीमली मेरी स्किन ड्राई हो रही है। सो आई थॉट एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर मुझे अप्लाई करना चाहिए, जो कि मेरी स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करे। सर्दी स्टार्ट हो गई है, सो आई थॉट एक अच्छा मॉइस्चराइजर ही यूज करूं, बिकॉज यहां पे यू कैन सी कपल ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स। इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, इट्स ब्यूटिफुल। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाई दिस इस नायका की सेल में, अगर इसके ऊपर कोई डिस्काउंट आए अच्छा सा। आई विश इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आए। ओके जी, नाउ लेट्स अप्लाई मॉइस्चराइजर। तो हो गया है, अप्लाई करते हैं प्राइमर। एंड फॉर प्राइमर आई एम गोना यूज दिस नो फिल्टर प्राइमर फ्रॉम कलर पॉप। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। शिट, जो मैंने टॉप पहना हुआ है ये H&M का टॉप है, बहुत पुराना वाला टॉप है मेरा। चलो इसको ओपन करते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फिर मैंने शेड लिया है, आई हैव हर्ड कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, प्लीज ऑक्सीडाइज मत होना, क्योंकि मैंने पता नहीं शायद थोड़ा पहले ही डार्कर शेड ले लिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स सो प्रिटी। दिस इज द कुशन विच कम्स ऑफकोर्स विद दिस। ओपन, ओके भाई, इसको वेस्ट नहीं करना चाहूंगी मैं। 1 2 3 जय श्री राम। चलो यूज करते हैं। वी हैव टू टेक दिस यहां से, ओके
मैंने बहुत साल पहले, लाइक 3-4 साल पहले मैंने शुगर से भी यूज़ किया हुआ है ऑनेस्टली, कुशन फाउंडेशन। तो इसमें अलग क्या है, वी हैव टू चेक आउट। तो इसके साथ मिरर भी मिल जाता है। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं मेरे। सी ऑनेस्टली दिस इज़ लाइक एग्जैक्ट मैच टू माई स्किन टोन, बट अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बट दिस इज सो गुड। आई मीन मैंने सिर्फ एक बार में उसको ऐसे ऐसे लिया एंड यू कैन सी ऑलरेडी मेरा हाफ फेस प्रॉपर कवर हो चुका है। दिस हैज अ लॉट ऑफ कवरेज एंड इट्स वेरी थिन कंसिस्टेंसी का। आई मीन बिकॉज आई कैन फील दैट, लाइक इट लिटरली फील्स लाइक कि मैंने यू नो पानी जैसा बहुत पतला सा कोई चीज लगाया अपनी स्किन के ऊपर। बट दिस इज सो गुड गाइस, सच में बहुत अच्छा है एंड आई थिंक इट वर्थ ऑल द हाइप। सी सो आई थिंक थोड़ा सा ऑरेंज ही दिख रहा है ये अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन, लिटिल बिट इट लुक्स, इट्स लुकिंग लिटिल ऑरेंज ही ऑन माई स्किन। सी मेरा जो शेड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा येलो इश टोन में है, ये थोड़ा ऑरेंज सा लग रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है मेरी स्किन के ऊपर। दिस इज तो लाइक वेरी ट्रेवल, वेरी वेरी ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट आई कैन क्लियरली यू नो श्योरली से दैट आई कैन, बिकॉज इट्स सो ईजी टू अप्लाई, लाइक यू जस्ट हैव टू पिक दिस फ्रॉम हियर एंड जस्ट अप्लाई दिस एंड दैट्स इट। वेरी 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 डार्क शेड अगर मैं अपनी नेक के साथ कंपेयर करूँ। सी अभी थोड़ा बिल्कुल काफ़ी सिमिलर लग रहा है बट यू कैन सी। बट अगर आपके पिगमेंटेशन है ना, इफ़ यू हैव डार्क चिन एंड यू नो डार्क अंडर आइज यू नो, तो वो उसको लाइक डेफिनेटली कवर तो करेगा बट वो क्या है आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ग्रे दिख सकता है एज आई कैन सी राइट नाउ। सी सो आई हैव टू यूज यू नो समथिंग लाइक टू कंसील या फिर करेक्ट अराउंड माई माउथ स्पेशली बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस है, बट ओवरऑल यू कैन सी आई मीन इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, टोटली टोटली वर्थ ऑल द हाई, लव इट। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज द कंसीलर। आई एम गोना यूज दिस बॉन्ड दिस वे कंसीलर, मल्टी यूज कटिंग कंसीलर इन दिस शेड गोल्डन बेज। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, टाइनीएस्ट अमाउंट यार यहाँ पे, दैट्स इट। आई विल अलाउ टू सिट दिस कंसीलर फॉर अ वाइल ताकि थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कवरेज मिलेगी, थोड़ा सेटल्ड हो जाएगा। मीनवाइल आई एम गोना यूज दिस हाउस ऑफ मेकअप का टेंट, दिस इज इन द शेड ब्राउन शुगर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। इफ यू रियली लाइक दीज काइंड ऑफ यू नो टेरेकोटा सॉर्ट ऑफ शेड्स, यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लश। एक्चुअली लाइक दीज काइंड ऑफ कलर्स, लाइक ब्राउन टोन्स में मुझे ब्लश अच्छे लगते हैं, बहुत डार्क जो मॉविश शेड्स होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपनी स्किन के ऊपर। दिस एंड आई एम यूजिंग ये पैक का ब्रश, दिस इज फाउंडेशन ब्रश, बीबी फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम पैक। हम लेंगे लुक एट दिस कलर, दिस इज सो प्रिटी। यू नो पर्टिकुलरली इस ब्लश की अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट ओवरली ड्यूई प्रोडक्ट, जो कि बहुत ज्यादा से मुझे ना बहुत ज्यादा ड्यूई चीक्स अच्छी नहीं लगती है। एक बहुत ही सटल सा ऐसा ग्लो होना चाहिए बट बहुत चिपचिपी सी जो लुक होती है ना वो सुंदर नहीं लगती। यू कैट दिस, देर इज अ लाइक लिमिटेड कलर है मेरी चीक्स के ऊपर,
एक ब्यूटीफुल सी शाइन है, बट इट्स नॉट लाइक ओवरली ड्यूई, ऐसा देखने में ऐसे लगे कि जैसे बहुत ही चिपचिपा सा कुछ लगाया हुआ है। मेजर्ड प्रोडक्ट है, यू नो, ये ओवरली ड्यूई भी बनाता है, एकदम मैटिफाइंग भी नहीं करता है। It's beautiful. If I really want to kiss this, I would love to kiss this blush from House of Makeup. If this makes any sense. I have one more blush from this brand, DM Beauty. It's also my favorite. कह सकते हैं because recently ही मैंने इसको try किया, पर काफी time इसको use कर लिया है मैंने. This is in the shade Monomore and this is also very beautiful, you know, shade जो कि dusky skin tone के लिए बहुत ही सुंदर है. Look at this shade. बस एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि ये फाउंडेशन का ये फाउंडेशन ये बिल्कुल मूव नहीं हुआ है. एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने दो ब्लशेज अप्लाई किए, लाइक लास्ट लाइक यस्टरडे व्हेन आई वाज डूइंग माय मेकअप विद दैट, यू नो, फॉरएवर 52 का फाउंड वो CC BB क्रीम जो भी मैंने ट्राई किया था, आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी वो वीडियो. तो जब मैंने अपना ब्लश लगाया था ना स्विस ब्यूटी वाला, आई क्लियरली रिमेंबर दैट, तो बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा था, लाइक मूव हो रहा था वो फाउंडेशन. बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट कि काफ़ी अच्छे से सेट भी हो चुका है ऑलरेडी, लाइक इट्स अ सेल्फ सेटिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट. कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई जब आप मेकअप कर लेते हो उसके बाद पता चलता है, यू नो, उसके ऊपर जब आप लेयर करते हो किसी भी चीज़ को. सो फाउंडेशन तो मेरा बिल्कुल मूव नहीं हुआ है अपनी जगह से After even applying 2 layers of my blush. Let's blend this concealer now. I am using Pack X Jovita wala brush. Apply तो कर ही लिया उसके साथ, जहां जहां पे मुझे इसको और मर्ज करना है मैंने वहां पे भी इसको कर लिया. So this is the sign of a good product. I'm gonna set my under eyes, so I'm gonna use this ColourPop का powder. This is no filter loose setting powder. Okay, recently you have asked कि लॉरा मर्सियर का powder अच्छा है या फिर Forever 52 का. Honestly, I don't like Forever 52 का पर्पल वाला जो मैंने लूज पाउडर ट्राई किया था, इट्स लाइक वेरी ड्राइंग. अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ओवरली ड्राई अंडर आइज है तो वहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा. सो अगर आप लॉरा मर्सियर में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन, अगर आपके इतना बजट है. बट इफ नॉट देन यू कैन ट्राई एक तो ये कलर पॉप वाला, डेफिनेटली नो फिल्टर लूज पाउडर, एंड ऑफकोर्स माई ऑल टाइम फेवरेट के ब्यूटी वन. टूडे आई एम गोइंग यूज दिस बिकॉज के ब्यूटी में एवरी नाउ एंड देन यूज करती रहती हूँ. एंड ऑलरेडी मेरी जो अंडर आइज है वो एकदम से स्मूथ है बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल कंसीलर विच आई हैव यूज. सो नाउ आई एम गोइंग यूज दिस कलर पॉप लूज पाउडर. ज्यादा जो कंसीलर है वो यहाँ इनर कॉर्नर में क्रीज करता है, आउटर कॉर्नर में आईज के ज्यादा फाइन लाइन्स नहीं है, ज्यादा मेरे इनर कॉर्नर की साइड है. तो रियली नीड दैट, यू नो, सेटिंग थिंग. एंड आई लाइक push the powder into my fine lines inner corner ke paas. Beautiful. So main ek cream bronzer apply karungi. For that I'm going to use from Huda Beauty. Beautiful, beautiful product, worth buying product hai, Glowish by Huda Beauty ka. And isi ke saath, isi brush ke saath I'm going to apply this. So what I'm going to do, isko yahan pe leke and we'll start doing that. See like ye wo product hai jinke upar main like यू नो अपना 100% ट्रस्ट कर सकती हूँ. अगर आई हैव टू गो लाइक जल्दी में मुझे अपनी पैकिंग करनी, लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 10 मिनट में हमने कहीं निकलना है एंड हमें 3-4 दिनों के लिए कहीं पे स्टे करने जाना है, तो डेफिनेटली कपड़े तो मैं पैक करूंगी. उसके साथ अगर मुझे ऑफकोर्स आई विल नीड माई, यू नो, अगर तो मुझे मेकअप किट में कोई प्रोडक्ट्स डालने होंगे जल्दी में 10 मिनट विदाउट लाइक इवन थिंकिंग आउट कि मुझे ये चाहिए, ये डालूं या ना डालूं, तो जिसके साथ मुझे सेकेंड थॉट्स ना लगाने पड़े, तो ये वो वाले प्रोडक्ट्स मैं आपको आज दिखा रही हूँ. जस्ट लुक एट दिस प्रोडक्ट. सी, इवन इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि मैंने अपने फोरहेड के ऊपर कुछ लगाया है. लुक एट माई ब्रॉन्जी चीक्स. लिटल बिट जो इसमें रह गया है उसी को मैं यहाँ पे लगा लूंगी. नीड टू कॉन्टोर माई नोज. वट एम गोना डू,
gonna take this on my finger like this and do this halka sa and this looks not only natural but also bahut hi kaam aapka kam ho jata hai. बहुत ही लाइट फ्लफी ब्रश लूंगी मैं. अगर कोई लूज पाउडर है इसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे. मैंने मीशो से ब्रश सेट मंगवाया था, बहुत ही सस्ता वाला, 300-400 वाला. बाकी सब ब्रश तो मुझे यूजलेस ही लगे, तो वो मैंने अपनी बेटी को दे दी, वो पेंटिंग शेंटिंग में यूज कर लेती, बट ये वाले मैंने अपने पास रख लिया. ये आपके फ्लफी ऐसे बहुत ही फ्लफी सा भी है, बहुत लाइट सा है, तो स्पेशली अगर अंडर आइज के पास मुझे लूज पाउडर को डस्ट ऑफ करना है दिस इज परफेक्ट फॉर. एज यूजुअल आई एम गोना फिल माय ब्राउज विद माय लॉरियल ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट एंड सो आई एम डन विद माय ब्राउज, यू कैन सी. चलो अब करते हैं आईज मेकअप. सो फॉर टुडेज आई मेकअप अगेन आई एम गोना यूज दिस आई शेडो पैलेट, मोयरा मैजिक ड्रीमिंग मोयरा लैंड सीरीज पैलेट की आई शेडो पैलेट. दिस आउट लुक्स लाइक इट्स नॉट वेरी रिसेंट बट ठीक है, अभी ही मैंने कुछ टाइम पहले इसको परचेज किया है और कुछ ही शेड्स मैंने इसमें से यूज किए हैं. टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड एंड लेट्स सी, और कोई मेटेलिक शेड अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा तो आई विल बी यूजिंग दैट एज वेल. दिस फ्लफी ब्रश फ्रॉम मार्स, डार्क ब्राउन शेड, जिसको मैं अपनी पूरी लिड के ऊपर यूज कर लूंगी. लुक एट दिस ब्लूइश सिल्वरिश मेटेलिक शेड. लेट्स यूज दिस विद फिंगर, इट्स वेरी सॉफ्ट यू नो, वेरी कुशनी. सी यस डेफिनेटली विद फिंगर दिस पेज अ लॉट मोर पिगमेंटेशन. सी थोड़ा सा दोबारा अप्लाई करूंगी. सो फॉर मस्कारा आई एम गोइंग यूज दिस टू फेस्ड का मस्कारा, दिस इज डैम गर्ल मस्कारा. ये मैं इतना यूज करती थी पहले एंड दिस इज माई फेवरेट. यू नो इफ आई हैव टू पिक ओनली वन मस्कारा फॉर माई लाइफ लाइक तो यही है वो. फेवरेट लिपस्टिक चेस्टनट की वेट एंड वाइल्ड से फॉर लिपस्टिक अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस दिस वन फॉर एवर 52 की इन द शेड चटनी. फिनिशिंग टच के लिए आई एम गोना यूज दिस रूबीज ऑर्गेनिका कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आई एम गोना टेक दिस फ्लफी ब्रश फ्रॉम स्विस ब्यूटी. प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट मेरा रह गया है, इसको तो आई विल डेफिनेटली यूज. आई वुड नीड माई ब्रश. ओके एवरी कैन नो 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 आज का ये ब्रश हालत देखो इसकी. ये ना है मैक का डार्क डीप मिनरलाइज स्किन फिनिश नेचुरल कॉम्पैक्ट. इतना ब्यूटिफुली काम करता है. अगर आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल ब्रॉन्जी सी लुक चाहिए दिस इज एब्सोल्युटली लाइक इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, बट इफ यू लाइक मी अगर करना है तो पूरे अच्छे तरीके से करो देन यू डेफिनेटली नीड दिस. लास्टली आई एम गोना सेट माय फेस विद दिस मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर. दिस इज द ओनली फिक्सर आई वुड रेकमेंड यू.
माय फाइनल लुक गाइज, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। हिट द बेल आइकॉन ताकि आप लोगों के पास मेरी हर नोटिफिकेशन आ जाए वीडियोस की। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय।